हेलो गाइस, दिस इज़ उनकुमार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। चलिए ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स है ना -1/2 = y, तो साइन y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। तो साइन 1/2 तो साइन 30 का वैल्यू होता है, क्योंकि -1/2 इसलिए -sin π/6, 30 डिग्री मतलब π/6, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा जो है वो साइन माइनस थीटा होता है। तो -sin π/6 जो है साइन -π/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -π/6। अच्छा, रही बात यह कि इसका जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। तो -90 से 90 होता है, ये तो आपके पास -30 है। तो -30 जो है -90 से 90 के बीच में लाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए। बोरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको लेट कर लीजिए वाई, तो कॉस वाई का वैल्यू क्या आ गया, √3/2 कितने डिग्री का होता है, π/6। तो आप जानते हैं कि जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू होता है कॉस का वो होता है 0 से π, 0 से π मतलब 0 से लेकर के 180 डिग्री, जबकि ये कितने डिग्री का आया है, ये आया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 0 से π के बीच में लाई कर जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 कितना आ जाएगा, π/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्या लिखा हो बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या लेट कर लेंगे, वाई। तो लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि कोसेक वाई इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा, 2। और 2 मतलब क्या कि कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू हो जाता है, 30 डिग्री का। तो कोसेक π/6 का वैल्यू हो जाता है 2। तो π/6 जो है, जबकि कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 होता है। तो वी नो दैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसेक ब्रांच -π/2 से π/2 एंड एक्सेप्ट 0। तो ये आपका उसके बीच में लाई कर जाएगा, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6 हो गया। 4 नंबर में देखिए, इसमें लिखा हो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, लेट कर लो टेन इनवर्स -√3 = y। तो टेन वाई का वैल्यू हो जाएगा -√3। ठीक है, तो -√3 मतलब -10π/3। तो -10θ = 10 θ होता है, तो 10 - π/3 हो गया। तो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स जो होता है -π/2 से π/2 होता है, जबकि आपका पास जो वैल्यू है -π/3 यानी -30 डिग्री है। तो -90 से 90 आपका उसमें अलाई कर जाएगा, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स √3 का वो हो जाएगा -π/3। ठीक है, -√3 है, सॉरी यहाँ अंदर -√3 होगा, उसका हो जाएगा -π/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो लेट कर लीजिए कॉस इनवर्स -1/2 = y, यानी कॉस वाई इज इक्वल टू -1/2। तो 1/2 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस π/3 यानी -cos π/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा -cos θ जो होता है ना वो cos θ होता है, -cos θ होता है। तो -cos π/3 आपके पास, लेकिन ये -θ होगा कब, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, -cos θ जो होता है वो cos θ में कब चेंज होता है, तो cos π - θ में। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो -cos θ जो होता है वो बन जाता है आपके पास cos π - θ। आप इस चीज़ को याद रखेंगे है ना, ये फार्मूला के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, cos π - θ। तो आपके पास यहाँ पर थीटा क्या आएगा, π/3, तो π - π/3 यानी कि 2π/3। तो इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच जो होता है कॉस का होता है 0 से π, तो 2π/3 तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि π/3 60 हो गया, और 60 का डबल कितना हो गया, 120, और 0 से π मतलब 0 से 180, तो उसमें लाई कर गया, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा वो 2π/3। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। तो लेट कर लीजिए टेन इनवर्स -1 = y, यानी कि 10y = -1। फिर वही चीज़,
वन का वैल्यू होता है टेन टेन वन वन जो है टेन कितना डिग्री के लिए होता है, पाई बाय फोर, क्योंकि माइनस है तो माइनस टेन पाई बाय फोर यानी कि माइनस अंदर जाएगा। माइनस टेन थीटा का वैल्यू होता है टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस पाई बाय फोर आ गया। तो टेन का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू का, वो ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। सेवन नंबर देखिए, सेवन नंबर में लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री, ठीक है। सेक इसका उल्टा कॉस का, तो ये 30 डिग्री का आएगा। तो लेट कर लीजिए, सेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री इजकल टू वाई, तो सेक वाई का वैल्यू आ गया आपके पास टू बाई रूट थ्री, यानी कि टू बाई रूट थ्री सेक 30 डिग्री का होता है यानी पाई बाई सिक्स। तो आप जानते हैं कि इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू सेक का, वो होता है जीरो से पाई एक्सेट पाई बाई टू, ठीक है। तो जीरो से पाई मतलब जीरो से पाई तो आपको लिखना है, जीरो से पाई लिखते समय खाली जीरो से पाई में एक वैल्यू आएगी आपके पास 90 डिग्री की यानी पाई बाई टू, उसको एक्सेप्ट करना है। तो 90 तो है नहीं हमारे पास, क्या है पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स मतलब 30, 30 उसमें इंक्लूड होगा, तो जब 30 उसमें इंक्लूड होगा तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा पाई बाई सिक्स। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट में लिखा हो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री, है ना। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो इसको लेट कर लीजिए, कॉट इनवर्स रूट थ्री इजकल टू वाई यानी कॉट वाई इजकल टू रूट थ्री, और रूट थ्री का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री यानी कॉट पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो कॉट जो होता है उसका प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से पाई, ठीक है। कॉट का जो होता है वो जीरो से पाई होता है, तो जीरो से पाई में लेट कर जाएगा यानी कि आपके पास इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ स्टूडेंट्स कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, माइनस वन अपॉन रूट टू इजिकल टू वाई, तो कॉट वाई इजिकल टू सॉरी कॉस वाई इजिकल टू आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो माइनस कॉस पाई बाई फोर, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको कि माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कॉस पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि थ्री पाई बाई फोर। तो इसका जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू का, वो होता है आपका पास क्या से जीरो से पाई, तो पाई बाय फोर 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 135, तो 135 तो जीरो से पाई में लाई कर जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसको भी आप वाई लेट कीजिए तो कोसेक वाई इजिकल टू माइनस रूट टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक पाई बाय फोर, तो माइनस कोसेक थीटा इजिकल टू हो जाता है कोसेक माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाय फोर। तो कोसेक का जो रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री एक्सेप्ट जीरो होता है, तो जीरो तो है नहीं पाई बाय फोर है, माइनस पाई बाय फोर है, तो माइनस पाई बाय फोर तो इसमें लाई कर जाएगा, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड करना है, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, ठीक है। चलिए तो पहले एक एक करके सबका वैल्यू एवल्यूट कर लेते हैं, फिर उसको पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन को क्या लेट किया एक्स, तो टेन एक्स इजकल टू वन, और वन कितने डिग्री के लिए हो जाता है, टेन 45 डिग्री के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या मिल जाएगा पाई बाय फोर, ठीक है। कॉस के लिए लेट करो, कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इजकल टू बाई यानी कॉस बाई इजकल टू वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू यानी कि माइनस कॉस पाई बाई थ्री आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा यानी कि कॉस नाइन पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी टू पाई बाई थ्री, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको टू पाई बाई थ्री। साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इजिकल टू क्या माना जेड यानी साइन जेड इजकल टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू यानी कि माइनस साइन है ना, माइनस साइन पाई बाय सिक्स यानी साइन माइनस पाई बाय सिक्स, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया माइनस पाई बाय सिक्स। अब क्या करो, तीनों के वैल्यू को पुट कर दो, तीनों के वैल्यू पुट हो गई, पुट करने के बाद सब सॉल्व किया तो थ्री पाई बाय फोर इसका आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोल रहा है कॉस इनवर्स है ना वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कॉस इनवर्स वन बाय टू इजिकल टू एक्स लेट किया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू वन बाई टू आ गया यानी कि कॉस वन बाई टू मतलब पाई बाई थ्री, तो यहाँ से आपको कॉस इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू पाई बाई थ्री आ गया। साइन इनवर्स है ना वन बाई टू इजिकल टू वाई यानी कि साइन वाई इजिकल टू वन बाई टू यानी साइन वाई वन बाई टू मतलब साइन पाई बाई सिक्स, तो यहाँ से आपको साइन इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू कितना मिल गया पाई बाई सिक्स। तो इस रिलेशन में पुट करोगे आप तो पाई बाई थ्री टू टाइम्स ऑफ पाई बाई सिक्स
ठीक है, पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 13 नंबर देखिए स्टूडेंट, 13 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हो, तो वाई का जो वैल्यू पूछ रहा है यानी वाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो आप जानते हो इसका जो वाई होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू -π/2 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3 -sec inverse -√2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो टेन इनवर्स √3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10 60 डिग्री यानी कि π/3, ठीक है। तो sec 2 जो है यहाँ से आएगा आपके पास 60 डिग्री यानी कि पाई में से π/3 माइनस करो पाई में से, तो 2π/3 को माइनस कर देंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 inverse √3 इजकल टू एक्स यानी 10x इजकल टू √3 यानी 10π/3, तो 10 inverse √3 इजकल टू π/3, ठीक है। sec inverse -1/2 यानी वाई, तो sec y = -2 यानी -sec π/3, तो -sec θ = sec π - θ होता है, तो π - π/3 यानी कि sec 2π/3, तो यहाँ से 2π/3 निकला, ठीक है। क्योंकि sec का जो ब्रांच होता है 0 से π होता है except π/2, और इसको जब सॉल्व किया गया तो आपके पास आंसर आ गया -π/3। क्या गया स्टूडेंट निकल करके -π/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।